Well, the Prime Minister's statement, unfortunately, is one-sided. He's only looking at Guru Gobind Singh Ji having been born in Patna, but then Bhagwan Ravidas was also born in UP. The question is that this is one nation, and people have freedom to travel and reside and settle anywhere they like. So far as Punjab is concerned, Punjab is the one which brought about green revolution throughout the country, and that is how Punjab is prosperous, and that's why lakhs of people land up for livelihood from Bihar and UP. चन्नी ने जो कहा बिहार और यूपी के लोगों को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है कि प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी. क्या सीएम चन्नी को पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी और रविदास जी का जन्म भी एक पटना में पैदा हुए, एक यूपी वाराणसी में पैदा हुए, तो क्या बिहार यूपी के योगदान को कमतर आंकते हैं चन्नी साहब? ये सिर्फ बिहार और यूपी का योगदान पंजाब की तरफ नहीं है, ये पंजाब का योगदान भी है. इकोनॉमी जो है बिहार और यूपी की, उसको स्थिर किया है. और ये हर एक को मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ और भगवान रविदास का जन्म यूपी में हुआ. मगर जो ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब लेके आया, उसी ने सारे देश में खुशहाली फैलाई है, और आज हम उनको पैरों के नीचे लताड़ रहे हैं. कहते हैं प्रधानमंत्री जी, जो क्या आप जानते हैं, जो दूसरा सवाल है कि बिहार यूपी के लोगों का पंजाब के विकास में कितना बड़ा योगदान है. मैं हैरान हूँ इस बयान को देखकर, जब बंटवारे की राजनीति, बांटने वाली राजनीति करते दिखते हैं सीएम चन्नी और खुद प्रियंका गांधी मौजूदगी में ताली बजा रही है. नहीं नहीं, ये बिल्कुल डिस्टॉर्टेड व्यू है. यू सी, आप ये देखिए कि अगर लाखों लोग गाड़ियों में बैठ के पंजाब आते हैं, पंजाब और हरियाणा, खेती करने के लिए, तो पंजाब और हरियाणा भी उनको मौका दे रहा है अपनी ज़िंदगी बसर करने का, अपनी फैमिली को सिक्योरली पालने का. तो ये कहना कि पंजाब ने उन्हें दोनों ने एक दूसरे को मदद की है, और जो बहुत सलाह योग है. इन इंग्लिश फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, ही सेड टुडे पीपल आर रिमेंबरिंग आवर, आई मीन हिज मीन इज गुड वर्क ऑफ कांग्रेस पार्टी, बट बीजेपी इज ऑलवेज डिसऑनर्ड टू वर्क ऑफ प्रीवियस. वेल ऑफ कोर्स पीपल रिमेंबर द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द लैंडमार्क which brought about prosperity in the whole country, and Punjab became the biggest exporter of rice and wheat. So I think we need to also remember the good things and not always dwell on things which have gone awry, like the security lapse. सर मनमोहन सिंह साहब नहीं जा पाए आज, वो वीडियो संदेश के जरिए पंजाब के लोगों को संबोधित किए. उन्होंने कहा कि आज लोग यूपीए सरकार के, जब वो खुद प्रधानमंत्री थे, उनके कामों को याद कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, चीन हमारी सीमा पर बैठी है, और देश में बंटवारे की राजनीति देखा जा रहा है. ये दुर्भाग्यवश है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ तो ये हैं कि सिर्फ थाली बजाने से तो कुछ होता नहीं है. आपको गरीब के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अगर गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा, जिस तरह से पिछले 7 साल में हो रहा है, तो गरीब कहाँ से खाएगा? उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से खाएगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस बात को याद रखना चाहिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसमें देश में खुशहाली लाई, और उसके लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है. पहली बार सर आपको लेकर पहली बार ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है कि बिहार और यूपी के लोगों के लिए ऐसा कहा गया, जबकि बिहार यूपी का दशकों से पंजाब आना जाना रहा है, वहाँ रोजगार करना, वहाँ परिवार. नहीं, ये तो होता रहा है. कभी महाराष्ट्र में हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश में हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है. यू सी, बिहारी लोग ये सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और इतनी मेहनत करते हैं, 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे कंटिन्यूसली काम इनसे करवा लीजिए आप. तो वो क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, तो लोकल आदमी जो लेज़ी है, लेथार्जिक है,
उनको समझ नहीं आता तो वो उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि वो इतने एफिशिएंट क्यों हैं, इतने डिवोटेड क्यों हैं। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टरों में 75% लोगों को नौकरी देने पर जो है अभी फिलहाल फैसला सुनाया है कि 75% नौकरियां हरियाणा में दी जा सकती है स्थानीय लोगों को। ये एक देश है, इसमें ये कैसे कोई कह सकता है कि यहाँ नौकरी सिर्फ एक स्टेट वालों को मिलेगी बाकियों को नहीं मिलेगी। अगर संविधान लोगों को अधिकार देता है कि कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी सेटल हों, कहीं पे भी अपनी रोज़ी कमाएं, तो ये कैसे कह सकता है कोई कि 75% नौकरियाँ जो हैं वो लोकल आदमियों को मिलेंगी। ये बिल्कुल गलत है, गलत ख्याल है, देश के विरुद्ध, एक देश का जो नारा है उसके खिलाफ है। लेकिन सर आप तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल अलाउ किया है कि 75% लोगों को हरियाणा सरकार नौकरी दे सकती है प्राइवेट सेक्टर में। 25% को दे सकती है, मगर जिन लोगों को भी नौकरी देनी है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसीलिए इसको स्टे किया गया है। कांग्रेस पार्टी, बट इफ समवन वांट्स टू पुश मी आउट ऑफ द पार्टी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मनीष तिवाड़ी इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट पोलिटिकल लीडर एंड ही इज़ ऑल्सो ग्रेटली लव्ड नॉट ओनली बाई हिज कंस्टिट्यूएंसी बट बाई द होल कंट्री एंड आई ओनली होप दैट ही डजंट टेक द एक्सट्रीम स्टेप एंड आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न अबाउट हिज व्यूज दैट ही विल नेवर लीव कांग्रेस। ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ कारण बताकर कांग्रेस छोड़ गए। मनीष तिवारी जी ने कहा कि पार्टी में रहकर पार्टी के अच्छी बुरी चीज़ों पर बोलते रहेंगे, हम कांग्रेस में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे अगर किक करके पार्टी से बाहर करना चाहते हैं तो वो अलग स्थिति। कोई भी खींच के किसी को बाहर कर नहीं सकेगा, और मनीष तिवारी जी के लिए इतनी इज्जत है, सिर्फ पार्टी में ही नहीं है, सिर्फ पंजाब में ही नहीं है, सारे देश में है, कि कोई भी उनको निकालने में मजबूर नहीं कर सकेगा। वो उनका कांग्रेस के साथ बहुत प्यार है, मित्रता है, और जैसे जब से उनके पिता ने शहीदी दी तब से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। तो सर व्हाट यू थिंक, ऐसा लगता है कि एक ऐसे कांग्रेस के सिपाही जिन्हें आप सच्चा कांग्रेसी बता रहे हैं उन्हें इस तरह की बात कहनी पड़ रही है कि कुछ लोग कहनी पड़ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए लोग इनका नाम भी उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे 24